सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे इंडिया की सबसे ग्रीन स्टेट्स के अंदर नंबर वन पर आने वाले स्टेट का नाम, जिसे हम केरला के नाम से जानते हैं। दोस्तों केरला में पिछले कुछ सालों में ट्रैवल लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है और अब इंडिया के ट्रैवलर्स के साथ साथ जो फॉरेन के जो टूरिस्ट हैं वो सबसे ज़्यादा अब केरला जाने लगे हैं, क्योंकि केरला के अंदर जो एक्चुअल नेचर की ब्यूटी है वो देखने में आती है। केरला में हाउस बोट का आप आनंद ले सकते हैं, मौसम का आप वेदर का आनंद ले सकते हैं, वहाँ के सुंदर लेक्स का आप आनंद ले सकते हैं। इसके साथ साथ वहाँ के जो टी गार्डन्स हैं उनका क्या कहना, इतना ब्यूटीफुल नेचर ने केरला को क्रिएट किया है, बनाया है कि अगर आप एक बार चले जाएंगे तो आप YT भारत चैनल को हमेशा याद रखेंगे कि किसी ने आपको सजेस्ट किया था। तो दोस्तों आज का ये वीडियो हम बना रहे हैं केरला पैकेज के बारे में। आपको चीप एंड बेस्ट पैकेज इस वीडियो में प्रोवाइड किया जा रहा है और जिस ट्रैवल एजेंट के थ्रू हमने इस पैकेज को मंगवाया है उनका मोबाइल नंबर वीडियो के टाइटल में ऊपर दिया गया है। आप वीडियो के टाइटल में जा कर के उनका मोबाइल नंबर लेकर के उनको कॉल कर सकते हैं, पैकेज के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके साथ साथ और केरला से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी हासिल करनी हो तो आप वीडियो पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन बुकिंग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आपको इसी मोबाइल नंबर पर जो वीडियो के टाइटल में और साथ में डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उस पर कॉल करके आप ट्रैवल एजेंट से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। और हाँ दोस्तों, अगर आपने YT भारत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे राइट बटन आ रहा है, क्लिक करो, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके ऑल को जरूर सेलेक्ट करना ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। YT भारत चैनल आपको प्रोवाइड कर रहा है 220 से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव ट्रैवल वीडियोस जो पूरे इंडिया को कवर कर रहे हैं। और एक बार जब आप चैनल पे जाएंगे YT भारत चैनल के तो आपको बहुत सारी ट्रैवल्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन में और जान लेते हैं इस पैकेज के बारे में सारी बातें, कितना कॉस्ट है, कहाँ पर आपको घुमाया जाएगा, क्या क्या फैसिलिटी इंक्लूडेड होंगी, क्या क्या एक्सक्लूडेड होंगी, सब कुछ बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन में और आपके सामने है इंडिया के सबसे बेस्ट ट्रेवल डेस्टिनेशन में से एक केरला का पैकेज, जो है 4 नाइट 5 डेज का। और सबसे पहले हम जान लेते हैं इस पैकेज के अंदर हम क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी डिटेल आपको देने जा रहा हूं। पैकेज इंक्लूजन में सबसे पहले है एकोमोडेशन इन वेल अपॉइंटेड रूम। दोस्तों मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, ये ट्रैवल एजेंट जो आपको रूम्स या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं ये नंबर वन की बेस्ट फैसिलिटी होगी, इसकी गारंटी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं, क्योंकि पर्सनली मैं भी इसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू इंडिया के अलग अलग डेस्टिनेशन पे विजिट करता हूँ तो मैंने खुद इतना अच्छा एक्सपीरियंस किया है। उसी के बिहाफ पर मैं इस ट्रैवल एजेंट की डिटेल आपको शेयर कर रहा हूं। तो आइए नेक्स्ट जान लेते हैं कि इस पैकेज में और क्या इंक्लूडेड है। इस पैकेज के अंदर सेकंड इंक्लूडेड है डेली ब्रेकफास्ट एक्सेप्ट अराइवल डे, क्योंकि जब आप अराइवल पे पहुंचेंगे तो ब्रेकफास्ट का तो टाइम ही नहीं होगा, इसलिए आपको फर्स्ट डे आपको ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। उसके बाद ऑल मील्स इन हाउस बोट, जो आपकी हाउस बोट होगी उसके अंदर भी मील्स का आपको सारा कुछ वहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाएंगी। वेलकम ड्रिंक ऑन अराइवल आपको दिया जाएगा जो होगा नॉन अल्कोहलिक। अगली फैसिलिटी जान लेते हैं क्या इंक्लूजन है। ट्रांसपोर्टेशन होगा बाय एसी व्हीकल एज पर द आइटनरी, ऑल साइटिंग होगी एज पर द आइटनरी जो आपको आगे बताई जाएगी। जितना भी आपको चार्जेस बताया जाएगा उसमें सारे टैक्सेस इंक्लूडिंग हैं और टोल पार्किंग ड्राइवर का जितने भी चार्जेस हैं सब इसमें पहले से ही इंक्लूडेड हैं, आपको कुछ भी नहीं पे करना है। तो आइए शुरू करते हैं इस बहुत ही इंटरेस्टिंग पैकेज को। जो आपका डे वन होगा वो आपको एक बार क्लियर कर देते हैं, डे वन पे क्या क्या होने वाला है। डे वन पर सबसे पहले आप पहुंचेंगे कोचीन, यानी कि कोचीन एयरपोर्ट पर आप पहुंचेंगे और कोचीन एयरपोर्ट से आपको मुन्नार तक का ट्रैवल करवाया जाएगा जो होगा 130 किलोमीटर का, 5 घंटे का ये ट्रैवल होने वाला है, जो आपको आपकी कार से ही करवाया जाएगा जिसके थ्रू आपकी
सारा जो है ट्रैवल वो मैनेज किया जा रहा है, उसी कार से आपको पिकअप किया जाएगा। आप चाहे एयरपोर्ट पे उतरिए, रेलवे स्टेशन पे उतरिए, बस स्टैंड पे उतरिए, उसके बाद आपको सीधा आपके होटल तक पहुंचाया जाएगा वाया कार, जो है आपका होटल मुन्नार के अंदर। अब केरला के बारे में जान लेते हैं। केरला इज ब्लेस्ड विद अमेजिंग ब्यूटी ऑफ नेचर एंड इट कैन बी सीन एंड यू विल एंजॉय ऑल थ्रू आउट योर जर्नी थ्रू टूर केरला। केरला के अंदर वो आपको नेचर का ब्यूटी देखने को मिलेगी, जिसकी आप खुद यात्रा कर सकते हैं इस पूरी जर्नी के दौरान। आगे पढ़ लेते हैं। ऑन द वे विजिट द वॉटरफॉल, जब आप रास्ते में होंगे तो आपको विजिट करवाया जाएगा वल्लारा वाटरफॉल, चियापारा, पोथीमेडू व्यू पॉइंट, और उसके बाद जब आप पहुंचेंगे मुन्नार तो आपका ओवरनाइट होगा स्टे होटल के अंदर। तो फर्स्ट डे का कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट डे जब आप मॉर्निंग में उठेंगे, ब्रेकफास्ट करने के बाद आपको निकलना होगा साइट सीइंग के लिए मुन्नार की। और इस साइट सीइंग में हम क्या क्या कवर करेंगे, राजमाला, टी म्यूजियम, मटुप्पी डैम, इको पॉइंट, तो ये सब चीज़ें कवर होने वाली हैं सेकेंड डे के इस साइट सीन में। आगे इसकी डिटेल आपको मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें है यू आर नो टू एक्सपीरियंस द ब्यूटी ऑफ द ग्रीन पैराडाइज ऑन योर फैंटेस्टिक वैकेशंस। लोकल साइट सीन होगा आपका, जो मैंने पहले ही बताया, मथुप्पी डैम, टी प्लांटेशन, आपका राजमाला, और उसके बाद नीलगिरी टहर्स, मथुप्पी, वेयर आपको बोटिंग की फैसिलिटी भी इसके अंदर अवेलेबल करवाई जाएगी। उसके बाद चल लेते हैं द इको पॉइंट, कुंडाला लेक फॉर बोटिंग इन शिकारा टाइप्स ऑफ बोट, टॉप स्टेशन है ये। द बॉर्डर ओवरनाइट स्टे एट मुन्नार। तो आपका मुन्नार का फुल डे का साइट सीन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। आप पॉज करके स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर साइट सीन में प्रोवाइड की जा रही हैं। उसके बाद ये देखते हैं नेक्स्ट थर्ड डे पे क्या होने वाला है। नेक्स्ट थर्ड डे पर आपको 110 किलोमीटर की ट्रैवल करना होगा, जो लगभग 3 घंटे का ट्रैवल होगा। आपको ले जाया जाएगा मुन्नार से ठेकड़ी। मुन्नार से ठेकड़ी की डिटेल जान लेते हैं एक बार पूरी तरीके से कि क्या क्या इसमें चीज़ें इंक्लूडेड हैं। यहाँ पर आपका आ रहा है पेरियार वाइल्ड टाइगर रिजर्व, मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट आपको निकलना होगा ठेकड़ी के लिए। आफ्टर नून विजिट आप करेंगे पेरियार लेक अराउंड विद द सेंचुरी इज बिल्ट फॉर बोटिंग। बोटिंग के लिए पूरी सेंचुरी इसके अंदर बिल्ट की गई है। वहां पर आप पहुंचेंगे, पेरियार लेक की साइट सीन करेंगे। इसके बारे में और डिटेल बता रहा हूँ। दिस इज द ओनली सेंचुरी इन इंडिया वेयर यू कैन हैव द यूनिक एक्सपीरियंस ऑफ व्यूइंग द वाइल्ड लाइफ एट क्लोज क्वार्टर्स फ्रॉम द सेफ्टी ऑफ अ बोट। ये ऐसी सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसमें बोट पर बैठ करके आप सेफली पूरी तरीके से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एंजॉय कर सकते हैं। ठेकड़ी इज फेमस फॉर एलिफेंट राइड के लिए फेमस है, आयुर्वेदिक मसाजिस के लिए पॉपुलर है, कथकली के लिए पॉपुलर है, और उसके बाद आप मार्शल आर्ट के लिए पॉपुलर है, और उसके बाद आप ठेकड़ी में आपका ओवरनाइट स्टे होगा होटल में, जो इस पैकेज में इंक्लूडेड है। इसके बाद चलते हैं ठेकड़ी के बाद वापस। आपका नेक्स्ट डे का जो ट्रेवल होगा वो होगा ठेकड़ी से अलप्पी रिजॉर्ट का, जो 175 किलोमीटर है, 175 किलोमीटर, 6 आवर्स की आपकी जर्नी होगी ठेकड़ी से अलप्पी की ओर। तो इसमें क्या होगा, ब्रेकफास्ट करने के बाद चेकआउट आप करेंगे रिजॉर्ट से, और ड्राइव आपको करवाया जाएगा अलप्पी के लिए। अलप्पी और अल्फुजा इज द व्हीकल ऑफ द ईस्ट, इट इज़ अ फेमस फॉर इट्स बोट रेसिस। अलप्पी बोट रेसिस के लिए फेमस होता था, और बैक वाटर हॉलीडेज के लिए, बीचेस के लिए, मरीन प्रोडक्ट्स के लिए, क्वायर इंडस्ट्री के लिए अलप्पी सबसे ज़्यादा फेमस होता था और आज भी है। और इसके बाद ये फेमस पिकनिक स्पॉट भी है। इसमें आगे हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर आपको एंटरटेनमेंट फैसिलिटी मिल जाती हैं विजया बीच पार्क में, एड टू द अट्रैक्शन ऑफ द बीच। यहाँ बीच पर आपको सारे अट्रैक्शन मिल जाते हैं। देयर इज ऑल्सो एन ओल्ड लाइट हाउस नियर बाय, यहाँ पर एक पुराना लाइट हाउस भी है नियर में, विच इज ग्रेटली फैसिनेटिंग टू द विजिटर, विजिटर को आकर्षित करता है।
ऑन द अराइवल ट्रांसफर टू द होटल, जब आप वापस आएंगे तो आपको होटल में ट्रांसफर किया जाएगा और जो होगा आपका एलिपी में, और ओवरनाइट स्टे होगा आपका यहीं पर। उसके बाद एलिपी में टूर करने के बाद आपका जो फिफ्थ डे होगा, एलिपी से आपको कोचिन के लिए ड्रॉप किया जाएगा, आपके फर्दर आगे जो आपका बैक टू द होम है उस डेस्टिनेशन के लिए आपको पकड़नी होगी ट्रेन या जो भी एयरपोर्ट है वहां पर आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो ये बहुत ही बहुत सुंदर सफर आपका जर्नी जो लाइफ टाइम आपको याद रहने वाली है यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब जिस चीज का आप वेट कर रहे हैं, कॉस्ट के बारे में आपको बता देते हैं, होटल डिटेल्स आपको बता रहे हैं विद प्राइसिंग के साथ। यहाँ पे आपको मुन्नार, ठेकड़ी और एलिपी में आपको स्टे करवाया जाएगा अलग अलग स्टैंडर्ड होटल्स में, डिलक्स होटल में या प्रीमियम होटल के अंदर। सबसे पहले स्टैंडर्ड जो आपका है उसका कॉस्ट पड़ रहा है मुन्नार, ठेकड़ी और एलिपी का 12,999 पर पर्सन। डिलक्स होटल की बात करें तो आपका 2,000 रुपये एक्स्ट्रा पड़ रहा है, 14,999 पर पर्सन। और प्रीमियम की बात करें तो पड़ रहा है 15,999 पर पर्सन। तो मुन्नार के होटल आपको स्पेसिफाई किए गए हैं, स्पाइस जंगल रिजॉर्ट, ब्लू हाजा रिजॉर्ट, बेला विस्टा रिजॉर्ट या सिमिलर। ठेकड़ी में पेरियार नेस्ट रिजॉर्ट होटल, संडारा पैलेस या सिमिलर, और एलिपी में एटीडीसी हाउस बोट या उससे सिमिलर। तो इतने कम कॉस्ट का पैकेज आपको शायद ही इतनी बेहतरीन फैसिलिटी के साथ कोई ट्रेवल एजेंट आपको प्रोवाइड करेगा। तो मैं ट्रस्ट करता हूं आप भी अगर यहां से बुक करना चाहते हैं तो आप बुक कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि ट्रेवल एजेंट का नंबर आपको वीडियो के टाइटल में भी दिया गया है, साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया जा रहा है, वहां से आप पिक करके इस पैकेज को बुक करवा सकते हैं। आगे पेमेंट की पॉलिसी यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये स्क्रीन को पॉज करके आप देख सकते हैं। यहाँ पर पेमेंट की पॉलिसी है और यहाँ पर है पूरी तरह से कैंसिलेशन की पॉलिसी। तो स्क्रीन को पॉज करके आप रीड कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलते हैं YT भारत के इसी तरह के बहुत ही इंटरेस्टिंग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए YT भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो, और वो भी बिल्कुल फ्री में।